ओम शांति सभी भाई बहनों को। मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा का महावाक्य बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे और नोट भी करेंगे। ओम शांति। आज की तारीख है 28/8/2020। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाप मतलब आत्मा का बाप परमात्मा शिव बाबा। दादा मतलब बड़े भाई ब्रह्मा बाबा। मधुबन अर्थात भगवान का अवतरण भूमि माउंट आबू राजस्थान। तो ये बाबा का विशेष आज का महावाक्य आज की तारीख में आज बाबा हम सभी बच्चों को बता रहे हैं। मीठे बच्चे, जितना समय मिले एकांत में जाकर याद की यात्रा करो। श्री बाबा कहते हैं, जितना समय मिले एकांत में जाकर याद की यात्रा करो। जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब यह यात्रा पूरी हो जाएगी। कौन सा मंजिल है हम सभी का? जब तुम, श्री बाबा कहते, मंजिल पर पहुंच जाएंगे तो तुम्हारी याद की यात्रा पूरी हो जाएगी। मंजिल अर्थात बाबा कहते हम सभी ब्राह्मण आत्माओं का, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का मुख्य एम ऑब्जेक्ट है। बाबा कहते संपूर्ण निर्विकारी बनना, संपूर्ण बाबा कहते हैं कर्मातीत स्टेज की प्राप्ति करना। सबसे मुख्य हम सभी का क्या है? बाबा कहते हैं ये मंजिल है, और संपूर्ण पावन बनाना ये भी मंजिल है। शिव बाबा कहते हैं, तो बाबा बच्चों को गाइड करते हैं कि ये याद की यात्रा तुम्हारी पूरी हो जाएगी तब जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो अभी हम सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, अभी मंजिल की लाइन में है ना, पहुंचने की लाइन पर लगे हुए हैं, पुरुषार्थ चल रहा है। तो बाबा कहते हैं तो तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तो तुम्हारी ये याद की यात्रा पूरी हो जाएगी, अर्थात राजयोग की यात्रा पूरी हो जाएगी। प्रश्न श्री बाबा करते हैं, संगम युग पर बाप अपने बच्चों में कौन सा ऐसा गुण भर देते हैं जो आधा कल्प, बाबा कहते हैं, चलता ही रहता है। संगम युग पर कौन सा ऐसा बाबा गुण भर देते हैं जो बाबा कहते हैं आधा कल्प चलता ही रहता है। आधा कल्प अर्थात कोष में भी आप देखें कि एक कल्प कितने वर्ष का होता है, ये पूरी जो है 5,000 वर्ष का एक कल्प होता है। और बाबा कहते हैं कि आधा कल्प अर्थात सतयुग और त्रेता युग में बाबा कहते संगम युग पर बाबा अपने बच्चों में कौन सा ऐसा गुण भर देते हैं जो आधा कल्प चलता रहता है। देवी देवताओं में सबसे मुख्य गुण कौन सा है? देवी देवताओं में सबसे मुख्य गुण कौन सा होगा? बाबा कहते वो है ही अति मीठे हैं। यूं तो सारा गुण है लेकिन सबसे मुख्य बाबा क्या उत्तर दे रहे हैं इसको ध्यान से सुनिए, नोट कीजिए। श्री बाबा बोले, बाबा कहते हैं जैसे मैं अति मीठा हूं, स्वीट हूं, ऐसे तुम बच्चों को भी स्वीट में बना देता हूं। जैसे मैं अति स्वीट हूं ऐसे बच्चों को भी स्वीट बना देता हूं। देवताएं बहुत स्वीट है, श्री बाबा कहते हैं। देवी देवताएं क्या है? बहुत स्वीट है। बाबा कहते तुम बच्चों को भी ऐसा स्वीट मैं बना देता हूं। तुम बच्चे अभी स्वीट बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। स्वीट किसको कहेंगे? जो सर्व गुणों से संपन्न हो, जिसमें जरा सा भी देह अभिमान ना हो, जिसमें कोई भी प्रकार का, बाबा कहते कोई भी प्रकार की बुराइयां ना हो, उनको कहेंगे देवी देवताएं। देवी देवताओं में कोई भी अवगुण नहीं होता है, तो कहते भी हैं कि जैसे ये देवता है। तो शिव बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे अभी स्वीट बनने का पुरुषार्थ कर रहे, अर्थात सर्व ज्ञान गुणों, ज्ञान में, गुणों में और शक्तियों से भरपूर बनने का भी हम सभी बच्चे क्या कर रहे हैं? पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो शिव बाबा कहते हैं कि जो बच्चों को, जो बहुतों का कल्याण करते हैं, जिनमें कोई शैतानी खैलात नहीं है, वही स्वीट है, बाबा कहते हैं।
जिसमें जो बहुतों का कल्याण करते हैं, जिसमें कोई भी प्रकार के आसुरी ख्यालात नहीं है, कोई भी बुरे संकल्प नहीं आते हैं, बाबा कहते वही सबसे मीठे हैं, स्वीट हैं, उन्हें ही उच्च पद प्राप्त होता है। श्री बाबा कहते हैं जो बच्चे अपने जीवन को इतना अच्छी रीति से बनाए हैं परमात्मा पिता का ज्ञान मिलने के पश्चात में, तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे ही बहुत बहुत स्वीट बनते हैं। वही बच्चे स्वीट हैं, उन्हें ही उच्च पद प्राप्त होता है, उनकी ही फिर पूजा होती है। श्री बाबा कहते हैं क्या श्री बाबा समझाएं, उन बच्चों को ही पूजा होती है। द्वापर युग से आप देख रहे हैं जो मंदिरों में जल रूप में जो पूजा जा रहा है, तो बाबा कहते हैं कौन से बच्चों का यादगार है, जो बच्चे परमात्मा पिता की श्रीमद पर संगम युग पर चल करके अपने अंदर से सारे अवरों को निकाल करके अपने आप को जो बहुत स्वीट बना देते हैं, उन्हीं बच्चों की पूजा होती है। श्री बाबा कहते हैं है ना, तो बाबा ये ज्ञान दिए कि जिनके अंदर कोई भी प्रकार के नेगेटिव ख्यालात नहीं आते हैं, जो बहुत अच्छे ख्यालात में रहते हैं, पवित्र संकल्प में रहते हैं, पवित्र दृष्टि वृत्ति कृति में रहते हैं, तो बाबा कहते हैं वैसे बच्चे ही बहुत ऊंचे पद प्राप्त करते हैं और उन्हीं बच्चों की पूजा द्वापर युग से होगी। क्योंकि द्वापर युग से पूजा पाठ आराधना भक्ति सब कुछ शुरू हो जाता है, ये परमात्मा पिता सब कुछ बता चुके हैं ना। ओम शांति। बाप बैठ करके समझाते हैं इस शरीर का मालिक आत्मा है, इस शरीर का मालिक कौन है, आत्मा है, यह पहले समझना चाहिए, क्योंकि अभी बच्चों को ज्ञान मिला है, अभी बच्चों को ज्ञान मिला है, पहले पहले तो समझना है हम आत्मा है। शरीर से आत्मा काम लेती है शिव बाबा कहते हैं, शरीर से आत्मा काम लेती है शिव बाबा कहते हैं, पाठ बजाती है शरीर के द्वारा आत्मा, क्या क्या पाठ बजाती है, हर कर्म आत्मा करते रहती है। तो शिव बाबा कहते हैं शरीर के द्वारा ही आत्मा पाठ बजाती है और शरीर के द्वारा ही आत्मा ये सारा कर्म करते रहती है। तो बाबा कहते हैं हम सभी बच्चों को अच्छी रीति से ये पूरा पूरा पक्का कर लेना है मन बुद्धि में कि ये आत्मा ही शरीर के द्वारा हर कर्म करती है। इसको बोलते हैं सॉल कॉन्शियस, है ना। तो सॉल कॉन्शियस की प्रैक्टिस अभी से आत्माभिमानी अभ्यास करेंगे तभी हमारा देहभान समाप्त होगा, तभी हमारे जीवन में दैवी गुण आएंगे और तभी हमारे जीवन में जितनी भी पावर चाहिए वो सब कुछ आ जाएगा। लेकिन हम बॉडी कॉन्शियस में रहेंगे तो ये सारा पावर जो है धीरे 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 सब कम होता चला जाता है और जीवन में क्या आ जाता है, धीरे धीरे दुख अशांति परेशानी समस्याएं विपत्ति बहुत प्रकार की विघन आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जितना हम सॉल कॉन्शियस में रहते हैं, ये राज्यों का प्रैक्टिस करते हैं, हमारे जीवन में परमात्मा पिता से ये पीस हैप्पीनेस प्योरिटी ब्लिस पावर ये ऑटोमेटिक सब कुछ बढ़ने लग जाता है। इसलिए हमें पूरा अटेंशन रखना है अपने को देही अभिमानी सॉल कॉन्शियस प्रैक्टिस, अर्थात मैं एक ज्योति स्वरूप स्टार हूँ, इस दो आंखों के बीच में भ्रिकुटी में मध्य में चमक रही हूँ और सभी आत्माएं हैं, सभी के इस भ्रिकुटी के मध्य में आत्मा है और सभी आत्माएं ये परम पिता श्री बाबा की संतान है। ऐसा हम प्रैक्टिस करेंगे तो कभी भी हमें देहभान नहीं आएगा, बॉडी कॉन्शियस नहीं आएगा और हमारी आत्मा में ये सारी शक्तियां बढ़ने लगेंगी। ये परमात्मा पिता ही इतना सबसे उच्च ज्ञान और श्रेष्ठ ज्ञान दिए हैं, ये ज्ञान कोई भी शरीरधारी मनुष्य नहीं दे सकते हैं। तो परमात्मा इतना ऊंचा हम सभी बच्चों को सत्य ज्ञान देते हैं, तो हमें इस ज्ञान को अपने जीवन में क्या करना, धारण करना है। श्री बाबा बोले शरीर से आत्मा काम लेती है, पाठ बजाती है, ऐसे ऐसे ख्यालात बाबा कहते हैं आते रहते हैं। श्री बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे ख्यालात कई बच्चों में आते रहते हैं। श्री बाबा कहते शरीर से आत्मा काम करती पाठ बजाते ऐसे ऐसे ख्यालात और कोई भी मनुष्यों में इस प्रकार के ख्यालात नहीं आएंगे, है ना, क्योंकि सब मनुष्य देह अभिमान में है। यहाँ इस ख्याल बाबा कहते ख्याल में बिठाया जाता है मैं आत्मा। तुम बच्चों को यहाँ पर किस तरह से बिठाया जाता है कि मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ। जब आत्मिक स्वरूप में रहते हैं तब आत्मा का पिता परमात्मा से ऑटोमेटिक ये शक्ति है, ऑटोमेटिक ये पावर मिलता है। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल हम समझेंगे कि सपोज आप रेडियो स्टार्ट करते हैं, उसमें जो भी जिस भी फ्रिक्वेंसी पर जो भी चैनल आना होता है, जो भी उसमें ये होता है, उस फ्रिक्वेंसी पर आप उसको ऐड करते हो, ऑटोमेटिक वो बजने लग जाता है। क्यों? क्योंकि
सब कुछ सिस्टम सेट है, सेटेलाइट है, आदि आदि है। तो जैसे ही उस फ्रिक्वेंसी पर हम सेट करते हैं, तुरंत सॉन्ग, म्यूजिक, न्यूज आदि आने लग जाता है। परमात्मा पिता भी ऐसे ही हम सभी बच्चों को समझाते हैं। ये हम सभी आत्माओं क्या क्या है, एक तरह से समझ लीजिए एक फ्रिक्वेंसी है। जैसे हम ये संकल्प करते हैं कि आई एम पीसफुल सोल, आई एम ब्लिसफुल सोल, आई एम प्योर सोल, है ना, लविंग सोल, हम कोई भी अगर थॉट्स अगर ये क्रिएट करते कि मैं एक आत्मा लाइट हूँ, प्योर हूँ, है ना, पॉइंट ऑफ एनर्जी हूँ, ऑटोमेटिक एक सेकंड में परमात्मा से हम कनेक्ट हो जाते हैं। परमात्मा पिता का शक्ति वरदान ऑटोमेटिक हमें आता है, है ना। तो परमात्मा पिता कहते हैं हमें हर कर्म करते हुए अपने आप को सॉल कॉन्शियस में रहना है, तभी हम परम पिता की शक्ति वरदानों को हम कैच कर सकते हैं, हमारी आत्मा में भर सकती है। जैसे हम बॉडी कॉन्शियस में होते हैं, वह देह आदि की दुनिया का बहुत सारा थॉट क्रिएट करते हैं, तो परमात्मा पिता का शक्ति वरदान ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो हमें हर कर्म करते हुए ये पूरा फुल अटेंशन रखना है कि मैं एक आत्मा हूं, मैं एक छोटा सा स्टार हूं, और मुझ आत्मा का पिता सुप्रीम सुप्रीम गॉड फादर है। हर कर्म करना है परमात्मा पिता की स्मृति में रह करके, तो आपको डबल फायदा होगा, है ना, कि एक तो आत्मा में सारी शक्तियां बढ़ती चली जाएगी, एक परमात्मा की याद से जन्म जन्म का विकर्म विनाश भी होता है ना। तो इसलिए श्री बाबा कहते हैं तुम बच्चों को ऐसा स्मृति रखना है। दुनिया में सारे मनुष्य देव भान में वो शरीर समझते, शरीर को देखते, शरीर से बातें करते हैं, इसलिए इतने ज्यादा संसार में विकर्म है, पापकर्म है, दुख है, कष्ट है। और बाबा कहते हैं तुमको अभी ये याद की यात्रा पर चलना है। श्री बाबा कहते हैं कई बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान, ये संकल्प करना है यहाँ इस बाबा करे यह याद की घड़ी घड़ी, या याद ही घड़ी घड़ी बच्चों को भूल जाती है कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा शिव की संतान हूं। यह पहले पूरी याद करनी चाहिए ना। यात्रा पर जब जाते हैं तो कहते हैं चलते रहो, चलते रहो, तुमको भी याद की यात्रा पर चलते रहना है, यानी याद करना है। याद नहीं करते हैं गोया याद, बाबा कहते गोया यात्रा पर नहीं चलते हैं। देह अभिमान आता है, देह अभिमान से कुछ ना कुछ विकर्म पापकर्म हो जाता है। शरीर के भान में आते हैं, देह भान में आते हैं, तो बाबा कहते कोई ना कोई प्रकार की विकर्म पापकर्म बन ही जाता है। फिर भी कमाई तो बंद हो जाती है, बाबा कहते हैं कमाई का अर्थ हुआ जो जन्म जन्म का पुण्य कर्मों की कमाई है वो एकदम बिल्कुल बंद हो जाएगा, क्योंकि हम देहभान में आ जाते हैं, बॉडी कॉन्शियस में हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए जितना हो सके याद की यात्रा में रहो। बाबा कहते हैं याद की यात्रा में कभी भी ढीला नहीं पड़ना चाहिए। एकांत में बैठकर अपने साथ विचार सागर मंथन करके पॉइंट्स भी निकालनी होती है, बाबा कहते निकालनी होती है, कितना समय शिव बाबा की याद में रहते हैं। मीठी चीज की याद पड़ती है ना, कोई भी बहुत प्यारा मीठा कोई भी चीज होता है तो उसको हम ना चाहते भी वो चीज हमें याद आता रहता है। तो बाबा ऐसे हम सभी बच्चों को कहते हैं कि सबसे मीठा ते मीठा, प्यारा ते प्यारा परम पिता शिव बाबा है। शिव बाबा की याद से, है ना, हमारी आत्मा में सब कुछ मिलने वाला है। तो बाबा करे सबसे मीठा परम पिता है। तो एकांत का अर्थ हुआ एक के अंत में खोना, थोड़ा सा शांति प्लेस में, जो भी घर में अगर फैमिली में है तो जब लोग सोए रहते हैं उस अनुसार, है ना, उस समय आप मेडिटेशन करें। ये कभी नहीं करना है कि लोग सो रहे हैं उस समय आप बाबा का म्यूजिक बजा दिए, उनका आप अशांति कर दिए, उनको नींद खराब कर दिए, या उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसा कोई भी कर्म हमें नहीं करना है। उनका हर प्रकार की ख्याल भी रखना है, और आपको अपने शांति तरीके से परमात्मा पिता को यहाँ पर मन और बुद्धि से याद करने की बात है। बाहर का यहाँ पर कोई कर्मकांड की बात नहीं, यहाँ पर टोटल जो है मेंटल मेडिटेशन है, और ये मन का योग परमात्मा पिता से है। तो बाहर का हमें कोई भी कर्मकांड नहीं करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि हम सॉन्ग बजाएंगे, रेड लाइट जलाएंगे तभी हमारा मेडिटेशन होगा, योग लगेगा, ऐसा नहीं। अपने आप को ऐसा बनाना है कि हर सेकंड, हर घड़ी, हर कर्म करते हुए, है ना, कोई भी कर्म आप कर रहे हैं उस समय परमात्मा पिता की याद में करना है। तो सिंपल समझना, हम परम पिता की छत्र छाया में है, परमात्मा की शक्ति वरदान आ रहा है ना। परमात्मा सूर्य के समान है, उनके अनंत पावर, अनंत शक्तियां हमारे ऊपर आ रही है, हम उनकी स्मृति में सारा कार्य। तो बाबा की याद में रह करके जब आप कोई भी कर्म करेंगे तो बहुत परफेक्ट होगा, अच्छा होगा, किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आएगा,
और भगवान की ब्लेसिंग भी मिलते रहेगी। बाबा देखेंगे ये बच्चा याद में रहने का अटेंशन दे रहा है, तो भगवान आपको ऑटोमेटिक शक्ति देंगे। इसलिए हमें ऐसा कर्म करना है जो किसी को भी डिस्टर्ब हमें नहीं करना है। इस राज्य की पढ़ाई मतलब सभी को सुख देने का कर्म करना है ना। तो शिव बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना, जब भी हम कभी भी जब भी हम शांति में होते हैं, है ना, तो बाबा कहते हैं बहुत अच्छी तरीके से उसका मनन चिंतन करना चाहिए, है ना। और कितना समय हम शिव बाबा की याद में रहते हैं, सबसे मीठा शिव बाबा है, उनकी याद में हम कितना समय रहे। बच्चों को समझाया है इस समय सभी मनुष्य मात्र एक दो को नुकसान ही पहुंचाते रहते हैं, सिर्फ टीचर की महिमा बाबा करते हैं उनमें, बाबा करे उनमें कोई कोई टीचर खराब भी होते हैं, नहीं तो टीचर माना टीच करने वाला, मैनर्स सिखलाने वाला, जो रिलीजियस माइंडेड अच्छे स्वभाव के होते हैं उनकी चलन भी अच्छी होती है, बाबा कहते हैं। बाबा क्या समझा रहे हैं, बच्चों को समझाया गया इस समय मनुष्य मात्र एक दो को बहुत नुकसान पहुंचाते रहते हैं, सिर्फ बाबा टीचर की महिमा करते हैं, उसमें भी कोई कोई टीचर खराब होते हैं, नहीं तो टीचर माना टीच करने वाला, मैनर्स सिखलाने वाला, है ना। टीचर को बाबा इसलिए महिमा करते क्योंकि टीचर क्या है कि बच्चों को, है ना, अच्छे तरीके से स्टडी दे करके उनको लाइक बना देते, एक अच्छे लौकिक रीति में कार्य व्यवहार, अपना लौकिक शरीर निर्वाह कर्म करने के लिए कोई भी प्रकार की जॉब उनको देते हैं, लगवाते हैं, अच्छा उनको लाइक बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं टीचर से जो पढ़ाई करते हैं अपने जीवन को बनाते हैं कहीं ना कहीं। शिव बाबा यहाँ पर सबसे सुप्रीम टीचर है, तो लौकिक जो टीचर होंगे वो एक जन्म के लिए हमें देंगे ना, लेकिन ये जो सुप्रीम अलौकिक टीचर है परमात्मा शिव बाबा है, तो ये हमें कितने जन्म के लिए भाग्य हम लोग को देते हैं। बाबा हम सभी बच्चों को 21 जन्मों का भाग्य की प्राप्ति हम सभी बच्चों को करा रहे हैं, है ना। तो हमें बहुत अटेंशन दे करके बाबा कहते हैं ये राज्यों की पढ़ाई रोज पढ़ना चाहिए और अपने आप से बातें करना चाहिए और हमें अपने जीवन में दैवी गुणों को धारण करने का पूरा फुल अटेंशन देना चाहिए, क्योंकि दैवी गुणों से ही हम गुणवान देवी देवता बन सकते हैं, आने वाला सतयुग की दुनिया में अच्छे पद की प्राप्ति हम कर सकते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे, लेकिन आजकल संसार में देखिए कि कितना सारा जो है सारी बुराइयां हैं, कोई कोई गलत मैनर्स वाले भी होते हैं, हाँ कोई बहुत अच्छे रिलीजियस माइंडेड होंगे जो स्पिरिचुअल नॉलेज रखते हैं, अच्छे स्वभाव के होते हैं, उनकी चलन भी अच्छी होती है। शिव बाबा कहते हैं बाप अगर शराब आदि पीते हैं तो बच्चों को वह भी संग लग पड़ता है, किसी का फादर है वो खुद ड्रिंक करेगा तो बच्चा क्या करेगा, देख करके वो खुद ड्रिंक करने लग जाएगा ना। तो शिव बाबा कहते हैं तुम बच्चों को समझदारी रखना है, ज्ञान रखना है, समझ रखना है। बाबा हम सभी बच्चों को आकर के समझ देते हैं, ज्ञान देते हैं कि अब जैसा संग रहेगा उस अनुसार आ जाता है आत्मा में। जैसे लौकिक में कहते बाबा कहते हैं कि अगर कोई किसी का फादर अगर शराब पीने वाला है तो बच्चों को वह संग आ जाता है, इसको कहेंगे शराब, बाबा कहते इसको कहेंगे खराब संग, क्योंकि रावण का राज्य है, रावण राज, बाबा कहते राम राज था जरूर, परंतु वह कैसे था, कैसे स्थापन हुआ, यह वंडरफुल मीठी बातें तुम बच्चे ही जानते हो, शिव बाबा कहते हैं। अब शिव बाबा कह रहे हैं कि खराब संग, दुनिया में बहुत प्रकार के संग होता है, जैसा संग रहेगा वैसा रंग स्वतः ही आ जाता है। इसलिए बाबा ये सब सारा एग्जाम्पल देकर के हम सभी बच्चों को क्या समझाना चाह रहे हैं कि तुम्हें सदा अच्छा संग में रहना है, कभी भी जो बुरे संकल्प, बुरे थॉट्स, बुरे एक्शन, बुरे बाबा कहते कर्म करने वाली आत्मा है, उन लोगों से थोड़ा सा अपना दूरी बना करके रखना है, नहीं तो उनके संग के रंग में आप रहेंगे, उनके कॉन्टेक्ट में रहेंगे, निश्चित रूप से उनके अंदर जो अवगुण है, जो बुराइयां है, वो स्वतः ही आ जाएगा। लेकिन अच्छे लोगों से आपका जो पॉजिटिव थॉट्स, बहुत अच्छे संस्कार स्वभाव वाले जो आत्माएं हैं उनके संपर्क में रहते तो उनका गुण भी आपके अंदर में आता चला जाएगा। जो चीज हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, है ना, वो स्वतः ही हमारे जीवन का अंग बन जाता है। तो हमें वैसे चीज देखना है, सुनना है, समझना है, वैसे लोगों के साथ रहना है जिससे हमारे जीवन में केवल अच्छा हो, लाभ हो, है ना। हमें नुकसान की कोई भी बातें नहीं करनी चाहिए, शिव बाबा कहते हैं। शिव बाबा कह रहे हैं कि राम राज्य था तो परंतु कैसा था, कैसे स्थापन हुआ, यह वंडरफुल मीठी बातें तुम बच्चे ही जानते हो। राम राज्य कैसे स्थापन हुआ, कौन स्थापन किए राम राज्य, है ना, हम सभी बच्चे एकदम स्पष्ट जान रहे हैं। परमात्मा शिव बाबा निराकार जो परमात्मा है वही आकर के राम राज्य स्थापन करते हैं, सकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा अर्थात ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा
परमात्मा पिता नई दुनिया सत्य की स्थापना का कार्य अर्थात राम राज्य स्थापन करते हैं। स्वीट स्वीटर और स्वीटेस्ट कहा जाता है ना, बाबा कहते या वंडरफुल मीठी बातें तुम बच्चे ही सुनते हो, राम राज्य कैसे स्थापन हुआ, स्वर्ग की दुनिया का स्थापना कैसे हुआ, ये तुम बच्चे ही जानते हो, सुनते हो मीठी मीठी बातें। स्वीट स्वीटर और स्वीटेस्ट कहा जाता है, बाप की याद में रहकर ही तुम पवित्र बनकर पवित्र बनाते हो। बाप नई सृष्टि में नहीं आते हैं, परमात्मा पिता सबसे स्वीट बाबा कहते हैं और वो सबसे नंबर वन स्वीटेस्ट कहेंगे। इसलिए शिव बाबा एग्जाम्पल दिए, स्वीट स्वीटर और स्वीटेस्ट कहा जाता है ना, है ना। तो बाबा क्या है, सबसे स्वीटेस्ट है ना, सबसे ज्यादा मीठा है, एक मीठा है उससे ज्यादा मीठा और सबसे ज्यादा मीठा। तो परमात्मा पिता सबसे स्वीटेस्ट है, सबसे ज्यादा मीठा है और हम सभी बच्चों को भी अपने समान स्वीटेस्ट बनाते हैं। बाबा कहते हैं सारा गुण ज्ञान शक्ति रोज ज्ञान सुना सुना करके हम सभी बच्चों को भरपूर कर देते हैं। सारा अवगुण धीरे 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 सुनते सुनते धारणा करते करते प्रैक्टिकल लाइफ में हम उस चीजों को लाते चले जाते हैं बाबा की वाणी, तो स्वतः ही ये सारा अवगुण हमारे अंदर से निकल जाता है। तो बाबा वही बातें बता रहे हैं कि बाप नई सृष्टि में नहीं आते, परमात्मा शिव बाबा ईश्वर की दुनिया में नहीं आएंगे, भगवान एक ही बार आते हैं, उनका कार्य ही है, उनका डिवाइन एक्ट कहेंगे कि नई दुनिया गोल्डन एज भारत बनाने का, स्थापन करने का, 35 करोड़ देवी देवताओं की राजधानी रचने का दिव्य कर्तव्य है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना का कार्य करने के लिए इस कलयुग के अंतिम समय संगम युग पर आते हैं। तो बाबा का ये दिव्य कर्तव्य है। शिव बाबा कभी भी हम बच्चों की तरह कभी भी शरीर धारण करके पार्ट प्ले नहीं करते हैं, अगर वो भी पार्ट प्ले करेंगे तो वो फिर है ना मनुष्यों की श्रेणी में आ जाएंगे, देवी देवताओं की श्रेणी में आ जाएंगे, वो उनको फिर परमात्मा भगवान ईश्वर गॉड हम कैसे कह सकते हैं। इसलिए भगवान ईश्वर गॉड कभी भी शरीर धारण करते ही नहीं है, वो केवल एक ही बार पर काया प्रवेश करते हैं, वो भी मात्र 100 वर्ष के लिए, और 100 वर्षों में पूरी दुनिया को चेंज कर देते हैं परमात्मा। कितना सीक्रेट वंडरफुल नॉलेज हम सभी बच्चों को मिला है, तो अपने भाग्य को सदा गीत गाना चाहिए, वह मेरा भाग्य जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो उनका सत्य कर्तव्य से हम अवगत हो जाते हैं और हम जन्म जन्म का भाग्य की प्राप्ति भी करते हैं। तो वह मेरा श्रेष्ठ तकदीर, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, ऐसा बाबा कहते हैं अपना गीत अपना भाग्य का गुणगान करते रहो कि भगवान जो है सर्वशक्तिमान सृष्टि पर आते हमें मालूम है। बाबा क्या समझा रहे थे कि मनुष्यों को, बाबा समझा रहे हैं मनुष्यों को तो अनेक प्रकार के आदि यहाँ पर शिव बाबा समझा रहे हैं, बाप की याद में रह करके तुम बच्चों को प्योर बनना है, दूसरों को भी प्योर बनाने का है ना पुरुषार्थ करना है। बाबा नई सृष्टि में नहीं आते हैं, सृष्टि में मनुष्य जानवर खेती बाड़ी आदि सब होता है ना, मनुष्य के लिए सब कुछ चाहिए ना। शास्त्रों में प्रलय का वृतांत भी राम दिखा दिया कि सृष्टि प्रलय हो गया, जलमग्न हो गया है ना, और सृष्टि प्रलय हो गया, ये बाबा कहते हैं ये बिल्कुल रॉन्ग है, शास्त्रों में इन सारी बातों को वर्णन है। परलय होती नहीं कभी, ये सृष्टि का कभी भी परलय नहीं होता, अर्थात सृष्टि दंड को प्राप्त नहीं करती, दंड मतलब खत्म हो गया, फिर से वो स्टार्टिंग होगा नहीं। बाबा कहते एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होता है, बहुत बड़ा कहेंगे महापरिवर्तन का, बहुत बड़ा कहेंगे बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो पूरी दुनिया में इतना बड़ा परिवर्तन कि पूरी कलयुग की सृष्टि ही सतयुग बन जाता है, इतना बड़ा परिवर्तन हो। लेकिन इस सृष्टि का परलय कभी नहीं होता, परलय वर्ड क्या है, रॉन्ग है, परलय मतलब सृष्टि दंड हो गया, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है ना। लास्ट में भी कुछ आत्माएं होती हैं जो देवी देवताओं का जन्म युग बल के द्वारा देती है और वो फिर सारा सृष्टि कन्वर्ट हो जाएगा नई दुनिया सतयुग में, और भारत भूमि ही हमारा 33 करोड़ देवी देवताओं की राजधानी बनता है। तो शिव बाबा कहते हैं कि ऐसे शास्त्रों में जो वृतांत दिखाए हैं वो बिल्कुल रॉन्ग है। शिव बाबा कहते हैं परलय तो होती नहीं कभी, यह सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है, बच्चों को आदि से अंत तक ख्याल में रखना है। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार के चित्र याद आते हैं, मेले मेला खड़े याद आते हैं, वह सभी है हद के और तुम्हारी है बेहद की याद। बाबा कह रहे हैं मनुष्य को अनेक प्रकार के चित्र आदि याद आते रहते हैं, मेले मेला खड़े कोई भी प्रकार की बहुत सारी चीजें याद आता है, और वह सभी है हद की याद और तुम्हारी है बेहद की याद। बेहद की दुनिया परम पिता शिव बाबा सबसे पहले बेहद का पिता है, जो पूरी सृष्टि का पिता जगत पिता है, परमात्मा की याद बेहद का दुनिया सत्य की दुनिया है ना की याद, बेहद का परिवार ये ईश्वरीय परिवार, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बाबा कहते हैं ये ईश्वर का परिवार है, जो ईश्वर आकर के डायरेक्ट रचते हैं, ये सारी चीजों को याद करना शिव बाबा कहते हैं,
ये है बेहद की बातें, है ना। बेहद के बाप से बेहद का सुख तुम बच्चों को मिलता है, हद के बाप से लौकिक पिता से थोड़ा सा हद का वर्षा मिल जाता है ना, लेकिन बेहद का पिता जो परम पिता उनसे पूरे 21 जन्म का भाग्य की प्राप्ति होता है। तो बाबा कहते हैं हद का बाप हद का वर्षा देते हैं और बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं, 21 जन्म का वर्षा देते हैं। तो बाबा कहते हैं, तो शिव बाबा बताएं कि तुम्हारी ये बेहद का वर्षा, बेहद की तुम बच्चों को खुशी होती है और बेहद का धन की भी प्राप्ति होती, दो युगों तक एक भी कोई भी चीजों का कमी होगा ही नहीं, सब कुछ होगा यथा। बेहद का बाबा है ना, हद के बाप से हद का मिलता है, बेहद के बाप से बेहद का और सुख मिलता है। सुख होता ही बाबा कहते कैसे होता है सुख, धन से होता है सुख, सुख होता ही धन से, धन है बाबा करे, धन तो वहां अपार है। सतयुग में धन क्या हो, अपार होगा, सब कुछ सतो प्रधान है, वहां पर सब कुछ प्योर है, इसलिए वहां पर कोई भी चीजों की कमी नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि में है हम सतो प्रधान थे, फिर बनना है हम सभी बच्चों, तुम्हारी बुद्धि में हम ही सतो प्रधान देवी और देवता थे, जन्म मरण के चक्र में स्टेप बाय स्टेप सतयुग त्रेता युग द्वापर युग कलयुग आते आते बिल्कुल तुम प्रधान बन गए और फिर से हमें परमात्मा आ चुके हैं, फिर से हमें पुरुषार्थ करके सतो प्रधान सतयुगी देवी देवता लायक अपने आप को बनाना है। बाबा कहते ये सब सारी बातें बुद्धि में रखना है तुम बच्चों को, सब कुछ सतो प्रधान है ना वहां। बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में है हम सतो प्रधान थे, फिर हम बच्चों को बनना है, यह भी तुम अभी जानते हो, तुम्हारे सिवा बाबा करे कोई नहीं जान सकते, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी ही जानते हो जो 7 डेज का फाउंडेशन कोर्स करते हो, ब्रह्मा कुमारी का रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं, ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं, वो सारी सत्य बातों से अवगत हो जाते हैं। बाबा कहते तुम्हारे में भी सब बच्चे नंबर वार हैं, अब सभी बच्चों का स्टेज क्या है, नंबर वार है। जैसे कोई बाबा करे नंबर वार है, स्वीट स्वीटर है, स्वीटेस्ट है ना, बाबा से भी स्वीट होने वाले हैं, बाबा करे बाबा से भी स्वीट होने वाले हैं, वही उच्च पद पाएंगे, है ना। स्वीटेस्ट वह है जो बहुतों का कल्याण करते, बाबा अपना टाइटल जो सबसे मीठा प्यारा परम पिता है वो अपना टाइटल अपने बच्चों पर देते, कौन बच्चे, जो बच्चे बहुतों का कल्याण करते, जो बच्चे बहुतों को बाबा का सत्य ज्ञान देते हैं, जो बच्चे बहुतों को भगवान से डायरेक्ट जोड़ते हैं, जो बच्चे परमात्मा का सत्य परिचय देते हैं, जो बच्चे बाबा कह रहे हैं बहुतों को कल्याण करते सबको सुख देते हैं, वही बच्चे सबसे स्वीटेस्ट लगेंगे आपके द्वारा। बाबा कहते सभी आत्माओं को सुख मिलना चाहिए, तो ऐसे बच्चों को बाबा कह रहे सबसे स्वीटेस्ट बच्चे वही हैं। बाप भी स्वीटेस्ट है ना, तब तो सब उनको याद करते ना, भगवान कितना मीठा प्यारा, सब लोग उनको याद करते, हे भगवान, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे गॉड, अल्लाह खुदा, हर रीजन के लोग उनको याद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे मीठा थे मीठा भगवान परम पिता एक ही है, ईश्वर एक है, उस ईश्वर को सब लोग याद करते, क्योंकि ईश्वर बहुत मीठा है, बहुत प्यारा है, वो ज्ञान गुणों और शक्तियों का सागर है। इसलिए किसी ने कहा गॉड इज लव, किसी ने कहा गॉड इज पावर, किसी ने कहा गॉड इज स्वीट और स्वीटेस्ट कहेंगे, किसी ने कहा अलग अलग तरीके से नाम दिए कि ईश्वर ही सब कुछ है, है ना, ईश्वर प्रेम है, ईश्वर दया है, ईश्वर क्षमा है, सागर है, आदि आदि अनंत नामों से उनको हम लोग पुकारे, तो इस ईश्वर का अंत, उस ईश्वर का सत्य परिचय अभी हमें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा मिल रहा है। हम सभी कितना ना भाग्यशाली हैं, भगवान जो है वो अपना संपूर्ण संपूर्ण ज्ञान इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा हम सभी बच्चों को दे रहे हैं, तो हमें बहुत बहुत उमंग उत्साह खुशी में रहना चाहिए। भगवान इस सृष्टि पर आते हैं और हम सभी बच्चों को इतना सत्य ज्ञान से अवगत कराते हैं, तो उनका पद्मा पद्म शुक्रिया करना चाहिए। बाबा कहते हैं वही ऊंचा पद पाएंगे, स्वीटेस्ट हुआ है तो बहुतों को कल्याण करते हैं, बाबा भी स्वीटेस्ट है ना, कोई शहद या चीनी को तो स्वीट नहीं कहा जाता, शिव बाबा कह रहे हैं स्वीटेस्ट नहीं कहा जाता। बाबा क्या समझा रहे हैं, कुछ शहद व चीनी को स्वीट नहीं कहेंगे, वो तो एक विस्थूल रीति से मिठास के लिए होता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति कहते कि इनका गुण बहुत अच्छा है, इनके जीवन बहुत अच्छा है, इनका संस्कार बहुत अच्छा है, इनका सोच विचार बहुत अच्छा है, मतलब वो बहुत मीठे हैं, बहुत प्यारे हैं, है ना, बहुत स्वीटेस्ट है, बाबा कह रहे हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे बाबा, ये स्फूर्ता की बात नहीं कि कोई चीनी की बात है कि हमें मीठा बनना है तो चीनी या गुड़ खा ले, बाबा कहते ये नहीं है, हमें अगर मीठा बनना है तो हमें अपने जीवन में सच्चाई, सफाई, ईमानदारी, जितनी भी डिवाइन वर्च्यू है, हमें उसको जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ करना है। आप देखिए कि जब कोई भी व्यक्ति आपके फैमिली मेंबर में भी कोई अगर बहुत अच्छे स्वभाव वाले होते हैं तो सबका दृष्टि उनके ऊपर जाता है कि बहुत अच्छे गुणवान है, चरित्रवान है, इनका सोच विचार चिंतन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब बहुत स्वीट है, बाबा कहते वो बहुत मीठे बच्चे हैं।
ऐसे सबसे मीठे थे मीठे बाबा कहते परमपिता शिव बाबा, उसके बाद कौन है देवी देवता है, उसके बाद कौन है मम्मा बाबा, उसके बाद कौन है सारी ये ब्रह्मा कुमारी दादी दीदी दादियां, सभी बच्चे कहीं ना कहीं अभी पुरुषार्थ के बल से अपने आप को इतना गुणवान चरित्रवान श्रेष्ठ देवी गुणों से भरपूर अपने आप को बना रहे हैं। तो बाबा कहते ये हो गए सभी बच्चे क्या नंबर वार है, स्वीट स्वीटर और स्वीटेस्ट। आज बाबा मुरली बता रहे हैं कि सभी बच्चे एक समान मीठे नहीं है, है ना, कोई स्वीट है बाबा के बच्चे बन गए बना स्वीटते हैं, उसके बाद पुरुषार्थ करके हमें स्वीटर भी बनना स्वीटेस्ट भी बनना है। तो जितना अच्छी रीति हम पुरुषार्थ करेंगे बाबा कहते हैं उतना अच्छे हम स्वीटेस्ट बन सकते हैं। बाबा कहते हैं यह मनुष्य की चलन पर कहा जाता, मनुष्य की चलन पर कहा जाता बहुत मीठा है, कहते हैं ना यह स्वीट चाइल्ड है मीठा बच्चा है। सतयुग में कोई भी शैतानी बात नहीं होती है, सतयुग में कोई भी प्रकार की गलत बातें स्वीट बाबा कह रहे शैतानी बात नहीं होती है। इतना उच्च पद जो पाते हैं जरूर यहाँ पुरुषार्थ करते हैं, इतना अच्छे पद जो प्राप्ति किए हैं देवी देवताएं ये जरूर संगम युग पर ही बहुत अच्छे तरीके से परमात्मा से पढ़ाई पढ़ करके अपने जीवन को दैवी गुणों से भरपूर किए हैं। तुम अभी नई दुनिया को जानते हो, तुम्हारे लिए तो जैसे कल नई दुनिया सुखमय होगी ना सुखधाम होगी। बाबा क्या समझा रहे, तुम बच्चों के लिए तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए जो बच्चे ये पढ़ाई कर रहे हैं राजयुग सीख रहे हैं, बाबा करे तुम बच्चों के लिए कल अब नई दुनिया आएगी आए नहीं, नई दुनिया सुखधाम होगी, कल की बात है ना। मनुष्यों को पता ही नहीं कि शांति कब थी, कहते हैं विश्व में शांति हो तुम बच्चे जानते हो, विश्व में शांति थी जो अभी फिर स्थापन कर रहे हो, अभी फिर से स्थापन कर रहे हो। अब यह सभी को समझाए कैसे, शिव बाबा क्या समझा रहे हैं विश्व में फिर से शांति स्थापन हो रही है, अब यह सभी को हम कैसे समझाए। ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकालनी चाहिए जिसकी बहुत चाहना है मनुष्यों को, शांति के लिए सारे मनुष्य कहीं ना कहीं बहुत पुरुषार्थ करते रहते हैं, विश्व में शांति हो इसके लिए बड़ी रड़ी मारते रहते हैं, क्योंकि अशांति बहुत है पूरी दुनिया में, विश्व में शांति शांत अभी पूरी दुनिया में देखिए कितना अशांति है, थर्ड वर्ल्ड वार को लेकर के हर कंट्री अपना अपना सब जगह पे इतने बुरे कर्म इतने पाप कर्म हो रहे हैं, इसलिए आज का न्यूज भी आपको देखने को नहीं मन होगा, इतने ज्यादा संसार में इतना ज्यादा ज्यादा संसार में बुरे कर्म पाप कर्म होगा, इसलिए कोशिश करें न्यूज बिल्कुल ना देखे तो अच्छा रहेगा, वैसा न्यूज होगा तो आपको कहीं ना कहीं मालूम चल जाएगा। कभी कभार आप 10-5 मिनट आप देख लीजिए तो बात अलग है, नहीं तो वो सब सारा नेगेटिव न्यूज अगर आप ऑनलाइन पिक्चर के साथ में जो कुछ भी आप देखते हैं तो आपका माइंड पे आपका इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा, है ना, फिर आपका स्टडी में चाहे आपका फैमिली में या कोई भी किसी भी फील्ड में है फिर उस समय वो सब सारी बातें याद आते रहेगा, इसलिए कोशिश करें, है ना। उसका ब्रेन भी बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट होता है, मेडिकल साइंस कहता है कोई भी चीजें हम साउंड एंड पिक्चर के साथ देखते हैं तो उसका ब्रेन पे हमारा 72 आवर तक पूरा फुल इफेक्ट होता है, फिर धीरे 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 उस चीजों को हम भूल पाते हैं, है ना। इसलिए हमें वैसी चीजें वैसे कोई भी वीडियो क्लिप नहीं देखना है जो हमारा ब्रेन पे बहुत ज्यादा हावी हो जाए, है ना, या वही चीजें से हमारा योग लग जाए और वही चीजें बार बार याद आता रहे, क्योंकि एक तो कंट्रोलिंग पावर भी नहीं माइंड पर और वैसी चीजें देख लेंगे तो आप उस चीजों को स्टॉप नहीं कर पाएंगे, फिर आपका योग भी नहीं लगेगा। कोई भी ऐसी चीजें हमें नहीं देखना चाहिए ना ही सुनना चाहिए, अपने ऊपर पूरा फुल कंट्रोल, वही उसी चीजों को हमें देखना है सुनना है जिससे हमारे लिए लाभ होगा, जिससे हमारे जीवन में प्रोग्रेस होना है ना, वो चीजें आप देखें सुने पढ़े लिखे आदि आदि, तो अपने ऊपर ऐसा कंट्रोलिंग करना है। तो बाबा कहते हैं उनको ही अब इनको अशांति पूरी दुनिया में भी अशांति है, या लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने देना है ना, सामने जरूर रखना है लक्ष्मी नारायण का चित्र, ये विश्व का महाराजा महारानी कैसे बने, जरूरी अपने पूर्व जन्म के अच्छे पुरुषार्थ से ही ऐसा पद की प्राप्ति किए हैं, इनका जब राज था तो विश्व में शांति थी, उनको ही हैविन डिटी वर्ल्ड कहा जाता है, देवी देवताओं का वर्ल्ड कहा जाता है, वहां विश्व में शांति थी। आज से 5000 वर्ष पहले की बातें हैं और कोई भी मनुष्य नहीं जानते हैं, यह ही सबसे मुख्य बात सब आत्माएं मिलकर के कहती हैं विश्व में शांति स्थापन कैसे हो, है ना, सभी आत्माएं पुकारती हैं तुम यहाँ विश्व में शांति स्थापन करने का पुरुषार्थ कर रहे हो, पूरी दुनिया के सारे मनुष्य लोग कहीं ना कहीं सब चाह रहे जीवन में शांति हो, सुख हो, संसार में शांति हो, विश्व में शांति हो, है ना, लेकिन तुम बच्चे बाबा कह रहे पूरे विश्व में शांति स्थापन कर रहे हो, जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं वो विश्व में शांति स्थापन का पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, राज्यों की पढ़ाई कर रहे हैं, सारे संसार में शांति का वाइब्रेशन फैला रहे मेडिटेशन के द्वारा, तो तुम बच्चे कर रहे हो, अब बहुत जल्द वो शांति की दुनिया आने वाली है ना, जिसे हम सतयुग कहेंगे। जो विश्व में शांति चाहते हैं
उन्हें तुम सुनाओ कि भारत, उनको क्या सुनाना है कि भारत फिर से हमारा क्या बन रहा है, जहां पर सुख शांति सब कुछ होगा। बाबा कहते फिर से भारत में शांति हो जाएगा ना, जब भारत, बाबा कहते हैं जब भारत स्वर्ग था तो शांति थी, बाकी अभी नरक है। बाबा कहते हैं भारत जब स्वर्ग था तो वहां पे शांति था, भारत अभी वही भारत नरक बन गया है तो यहाँ पे दुख अशांति है। नरक अर्थात कलयुग में अशांति है, क्योंकि धर्म अनेक हो गए हैं यहाँ पर कलयुग में, माया का राज्य है यहाँ पर, पांच विकारों का राज्य छा गया है, भक्ति का भी बहुत स्तो है, बाबा कह रहे बहुत पंप है चारों तरफ। देखिए हर रिलीजन में कहीं ना कहीं गॉड को याद करने का अलग अलग कर्मकांड लोग देते रहते हैं, अलग अलग लोग विधि बताते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं भक्ति का भी बहुत ज्यादा स्तो है, लेकिन कहीं पर भी उससे सुख शांति खुशी आता ही नहीं, केवल वो नाम मात्र वो दिखावा है ना, कुछ भी नहीं उससे, ना शांति ना सुख है, ना जीवन में मनुष्य का परिवर्तन आता, ना ही दैवी गुणों को लोग धारणा करते हैं, वो केवल एक नाम मात्र, वो दिखावे का चीज है, एक कहते हैं कि रीति रस्म रिवाज बना हुआ, अगर उसको नहीं करेंगे तो हमारे लोग क्या बोलेंगे, है ना, इस रीति से भी कई लोग करते हैं। तो बाबा कहते भक्ति में बहुत सो है, दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है, मनुष्य भी मेले मलाखड़े आदि पर जाते हैं, समझते हैं जरूर कुछ सच होगा। अभी तुम समझते हो उनमें कोई भी, जो भी मेले आदि में जाते हैं या गंगा स्नान करते हैं उससे कोई भी पावन नहीं बन सकते हैं, बाबा बोले पावन बनने का रास्ता मनुष्य कोई भी बता नहीं सकते हैं, पतित पावन एक ही परमात्मा, बाप ही तुम बच्चों को पवित्र बनने का, पावन बनाने का रास्ता बताते। ये राजू की पढ़ाई है, अपने आप को पावन बनाने का रास्ता। मनुष्य, बाबा कह रहे दुनिया तो एक ही होता है, सिर्फ नई दुनिया बनती है और पुरानी दुनिया बनती, दुनिया एक ही है, लेकिन यही दुनिया हमारा नया भारत था, स्वर्ग था, है ना, और यही वही नया दुनिया जो फिर से भी पुराना भारत बन गया है। नया भारत को स्वर्ग कहेंगे, पुराना भारत को नरक कहेंगे। नई दुनिया में नया भारत था, नई दिल्ली कहते हैं, नई होनी है ना, फिर से नई हो जाएगी, जिसमें फिर नया राज्य होगा। यहाँ पुरानी दुनिया में पुराना राज्य है, पुरानी और नई दुनिया, बाबा करे किसको कहा जाता है, पुरानी और नई दुनिया किसको कहा जाता है, यह भी तुम बच्चे अभी जान रहे हैं। रोज दिन बाबा हम सभी बच्चों को शिक्षा देते थे, हम लोग सबको समझ गए भक्ति का कितना बड़ा बाबा करे प्रस्ताव है। इसको कहा ही जाता अज्ञान, ज्ञान का सागर एक ही परमात्मा पाप है। भक्ति में जितने भी चीजें हैं इसको बाबा कहते हैं अज्ञान कहेंगे, भक्ति पूजा पाठ आराधना सब कुछ कर रहे लेकिन परमात्मा कौन है उनको नहीं पहचान रहे। 33 करोड़ देवी देवताओं की राजधानी कैसे स्थापन हुआ, कौन किया, ये ज्ञान नहीं है। एक ही ज्ञान का सागर परमात्मा शिव है, जो बाप तुम बच्चों को ऐसे कहते हैं कि बच्चे, बाबा बच्चे को ऐसे नहीं कहते कि राम राम कहो या कुछ करो तुम, नहीं, बच्चों को समझाया जाता वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी ये कैसे रिपीट होती है, सभी बच्चों को बाबा क्या समझाते हैं, ये पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, है ना, ये जो वर्ल्ड साइकिल जो मूव करता है, गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज एंड आयरन एज, ये फिर से रिपीट कैसे करता है, टोटल 5000 ईयर्स का होता है, ये कैसे रिपीट करता है, ये पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी परमात्मा सुप्रीम गॉड फादर सुप्रीम टीचर बन करके हम सभी बच्चों को समझाते हैं। तो बाबा बोले कि भक्ति मार्ग का कितना प्रस्ताव है और पूरे वर्ल्ड का हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, यह एजुकेशन तुम पढ़ रहे हो, ये क्या है, बाबा कह रहे एजुकेशन तुम पढ़ रहे हो, ये बहुत सुंदर शिक्षा है जो तुम पढ़ रहे हो, इसका नाम ही है रूहानी एजुकेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज बाबा कहते हैं। ये कौन सा नॉलेज है, रूहानी एजुकेशन है, है ना, बाबा कहते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज है ये, इसका अर्थ भी कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। ज्ञान सागर तो एक ही परमात्मा बाप को कहा जाता है ना, वह ही स्पिरिचुअल नॉलेजफुल फादर, परमपिता कौन है हमारे, स्पिरिचुअल नॉलेजफुल फादर, है ना, सारा ज्ञान का सागर परमपिता से बाबा है हमारे ना, बाप रूहों से बात करते, सभी आत्माओं से बात करते, तुम बच्चे समझते हो, रूहानी बाप हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये स्पिरिचुअल नॉलेज, रूहानी नॉलेज को भी स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, शिव बाबा बोले रूहानी नॉलेज को भी स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, क्योंकि ये आत्मा का ज्ञान है ना, आत्मा के लिए ज्ञान है, आत्मा का उद्धार होना, आत्मा को सुख शांति और खुशी मिलना है, तो इसको रूहानी नॉलेज, आत्मा का नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, ये राजू की पढ़ाई। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा क्या है रूप में,
रूप में शिव बाबा कैसा है? ज्योति बिंदु स्वरूप है, रूप में ज्योति है लेकिन ज्ञान में गुणों में क्या है? सिंधु है, वो प्रकाश है, वो सागर के समान है। रूप में बिंदु, ज्ञान गुणों में सिंधु है, तो शिव बाबा कहते हैं। इसलिए ज्योतिर्लिंगम स्वरूप में, 12 ज्योतिर्लिंगम के रूप में पूरे भारत वर्ष में पूजा होता है बाबा का। सबसे ज्यादा निराकार शिव का मंदिर पूरे भारत में विख्यात है सनातन धर्म में। बाकी अदर रिलीजन में भी सब जगह पर निराकार डिवाइन लाइट को ही याद किया जाता है। तो बाबा कहते हैं, यह है स्पिरिचुअल नॉलेज, रूहानी नॉलेज को भी स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है ना। तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा बिंदु है, वह हमको पढ़ाते हैं, हम आत्माएं अभी पढ़ रही हैं। परमपिता परमात्मा हमारा पिता कौन है? रूप में ज्योति बिंदु, वो हम सभी बच्चों को पढ़ाते हैं, हम आत्मा पढ़ रहे हैं। यह बात पे कभी भी नहीं भूलना चाहिए, हम आत्मा को ही नॉलेज मिलती है ना अभी, फिर हम दूसरी आत्माओं को देखते हैं। यह याद तब ठहरेगी जब अपने को आत्मा समझ करके परमात्मा बाप को याद करेंगे। ये याद बुद्धि में तब रहेगी जब हम अपने को आत्मा रियलाइज करेंगे और परमात्मा पिता को याद करेंगे, आत्मिक स्वरूप। ये बार बार अभ्यास करना है, ये बार बार ड्रिल करना है ना, कि मैं ज्योति स्वरूप पॉइंट ऑफ लाइट में एक आत्मा हूँ, मुझे आत्मा का पिता परम पिता शिव बाबा है, वो हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं राज्यों की पढ़ाई, और इसी पढ़ाई से दैवी गुणों से हम आने वाला सतयुग की दुनिया। बाबा कहे आज कि कल तुम फिर से स्वर्ग में देवी का बनने वाले, कल की बात है ना। बाबा कहते आज हम क्या है, कल हम क्या है, मतलब बहुत कम समय की बात है। इसलिए बाबा आजकल बोलते बहुत थोड़ा सा समय बचा, 5000 वर्ष के कैंपेयर में आप सोचिए 100 वर्ष क्या बहुत थोड़ा है। बाबा कहते सेकंड की बातें हैं, कल की बात है, 5000 वर्ष कहां बीत गया और मात्र 100 वर्ष में भी थोड़ा सा समय बचा हुआ। इसलिए बाबा कहते बहुत कल की बात है, अब तुम बने की बने, अब नई दुनिया आया की आया है, बहुत थोड़ा सा समय बचा, पर बाबा कहते बचा हुआ है। शिव बाबा बोले हम आत्माएं पढ़ रही हैं, यह भूलना नहीं चाहिए, हम आत्मा को ही नॉलेज मिलती है, फिर हम दूसरी आत्माओं को देते हैं। या याद तब ठहरेगी जब अपने को आत्मा समझ करके बाप की याद में रहेंगे। याद में बहुत कच्चे हैं, झट देह अभिमान आ जाता है, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस तुम बच्चों को करनी है। सेकंड सेकंड में देह अभिमान आ जाता है, क्योंकि ये 63 जन्मों का क्या है, हमारा संस्कार बना हुआ है द्वापर युग से। जो भी हम बॉडी कॉन्शियस में आकर के जो कर्म किए, हमारा कर्म हमारे ऊपर हावी हो जाता है देह भान वाला। तो बाबा कहते हैं ये संस्कार बना हुआ है, तो बहुत बच्चे कच्चे हैं, झट सेकंड सेकंड में देह भान में आ जाते हैं ना। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है, हम आत्मा इनको सौदा देते हैं, हम आत्मा व्यापार करते हैं, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करने में ही फायदा है। आत्मा को ज्ञान है, हम यात्रा पर हैं, याद की यात्रा पर हैं, कर्म तो हमें करना ही है, बच्चों आदि को भी संभालना, घर परिवार में आप हैं माताएं बहनें सब जो भी है माताएं लोग, तो अपने घर परिवार में बाल बच्चों को भी संभालना है, धंधा धौरी भी करना है, सब कुछ करना है, धंधे आदि में याद रहे हम आत्मा है। शिवा क्या समझा रहे हैं, कोई भी धंधा धौरी कर रहे, आप स्टडी कर रहे, स्टूडेंट है, तो आपको सदा फील करना मैं एक लाइट में एक आत्मा हूं, मैं आत्मा शिवा का बच्चा हूं, बाबा की याद में मैं स्टडी कर रहा हूं, ये स्मृति केवल रखना है बस। और ये स्मृति में पढ़ेंगे सब कुछ याद ऑटोमेटिक हो जाएगा, बाबा का मदद भी मिलेगा, अटेंशन रखेंगे, मेहनत अब करेंगे तो बाबा का पूरा पूरा मदद मिलेगा ही मिलेगा। अब मेहनत ही नहीं करेंगे, भूल जाएंगे घड़ी घड़ी, देवभान में आ जाएंगे, तो बाबा का शक्ति वरदान ऑटोमेटिक सेकंड में बाबा कहते कट जाता है। इसलिए बाबा आज बार बार बता रहे अपने को आत्मा समझ करके परम पिता को याद करना है, हम आत्मा इनको सब कुछ याद रखना, कुछ भी हम देते हैं लेते हैं इस प्रकार से आत्मिक स्वरूप में रहना है। आत्मा को ज्ञान है कि हम अभी यात्रा पर हैं, कर्म हम सभी बच्चों को करना ही है, बच्चों आदि को भी संभालना है, धंधा धोरी भी करने हैं, लेकिन धंधे धोरी में कोई भी कर्म अब कर रहे हैं तो उसमें याद रखना मैं आत्मा हूँ, है ना, इस रीति से काम करना। बाबा करे ये बड़ा मुश्किल है, आत्मिक स्वरूप में आत्मिक भान में रह करके कर्म करना बाबा करे बड़ा मुश्किल है, सेकंड सेकंड भूल जाते हैं सब बच्चे। बाबा कहते हैं कोई भी उल्टा काम कभी भी नहीं करना, कोई भी उल्टे कर्म जिससे विकर्म पाप कर्म बने वैसा एक भी कर्म हमें नहीं करना, ये बाबा बहुत प्यार से शिक्षा दे रहे हैं, है ना। सबसे बड़ा महापाप है बाबा कह रहे विकार का, बड़ी बाबा कह रहे वही बड़ा तंग करने वाला है ना,
वाइसेस बाबा कहते जो लास्ट है, अभी तुम बच्चे पावन बनने की प्रतिज्ञा करते हो, उनका ही यादगार रख करके ये राखी बंधन होता है। बाबा कह रहे हैं उनका ही यादगार, जो पवित्र बनने का जो सबसे नंबर वन यादगार पर्व है, सी बाबा कहते हैं वो है रक्षाबंधन का पर्व। भाई बहन के बीच में ही रक्षाबंधन होता है, अर्थात सदा पवित्र दृष्टि होता है, भाई बहन में कभी भी विकारी ख्याल नहीं होते हैं, बुरे संकल्प नहीं होते हैं। बाबा कह रहे हैं पवित्र बनने के यादगार पर्व क्या है? रक्षाबंधन। आगे तो कोई पाई पैसे की भी राखी मिलती थी, ब्राह्मण लोग जाकर के राखी बांधते थे, आजकल तो राखी भी कितनी फैशनेबल बनाते रहते हैं। क्या पहले के जमाने में ब्राह्मण लोग ही राखी बांधा करते थे, है ना? शिव बाबा कहते हैं आजकल देखो कितने फैशनेबल राखी मिलते हैं, बनते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि ये रक्षाबंधन किसके यादगार है? पावन बनने का और बनाने का पर्व है। बाबा कहते हैं पहले के जमाना में ब्राह्मण लोग ही राखी बनते, कौन ब्राह्मण? ब्रह्मा कुमार कुमारियां, सच्चे सच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, ये सभी आत्माओं को राखी बांधते हैं और सभी को पावन बनाने का प्रतिज्ञा कराते हैं। बाबा कहते हैं कि जो आत्माएं पवित्र बनती हैं वही उस पवित्र दुनिया सतयुग के मालिक बनती है। तो श्री बाबा कहते हैं ब्राह्मण लोग जाते थे और राखी बांधते थे, आजकल तो राखी कितने फैशनेबल बनते हैं। वास्तव में ये अभी की बात है, तुम बाप से प्रतिज्ञा करते हो हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे, ये हुआ राखी बांधने का प्रतिज्ञा। बाप से विश्व के मालिक बनने के लिए वर्षा लेंगे, बाप कहेंगे 63 जन्म तो विषय वैतरणी नदी में गोते खाए आए, बाबा कहते खाए, अब तुमको क्षीर सागर सतयुग में मैं ले जाता हूँ। सागर कोई बाबा कह रहे वो पानी का नहीं है, भेंट में कहा जाता क्षीर सागर, अर्थात जहां पे अथाह सुख होता है। बाबा क्या कह रहे हैं कि एक प्रतिज्ञा करो कि सदा हम प्योर रहेंगे, पवित्र बनेंगे और तुम बच्चे ही पवित्र दुनिया के मालिक बनोगे। ये अपने आप से बाबा कह रहे प्रतिज्ञा करनी है। बाबा कहेंगे 63 जन्म, हम लोग कितने जन्म अपवित्र रहे, भगवान कभी भी हमें बोलने के लिए मना करने के लिए नहीं आए, है ना, कि तुम पावन बनो या कोई भी चीजें हमारे जीवन में कभी भी श्री बाबा नहीं दखल दिए, ना ही इंटरफेयर किए, जो भी समझ में आए सब कर्म हम करते आए द्वापर युग से। 63 जन्मों का पाप का खाता हम लोग सारे सभी भाई बहनों की याद भी होगा कि हम लोग कौन सा युग में कितना कितना जन्म लेते हैं, सभी एक बार रिविजन कर लेंगे। सतयुग में 8 जन जो परमात्मा करके ज्ञान दिए, त्रेता युग में 12 जन होता है, द्वापर युग में 21 जन और कलयुग में 42 जन, ये टोटल को ऐड करते हैं तो पूरे 83 होता है। एक संगम युग में अभी भगवान आकर के हम सभी बच्चों को डिवाइन बर्थ, गॉडली बर्थ, ब्राह्मण जन, ईश्वरीय जन, है ना, संगम युग श्रेष्ठ ब्राह्मण ब्रह्मा कुमार कुमारियां, बाबा इसको बोलते डिवाइन बर्थ, दिव्य जन्म मना ईश्वरीय जन्म, ब्राह्मण जन, एक नया जन्म चढ़ती कला का जन्म, तो ये पूरे 84 जन्म कहेंगे। तो 63 जन्म जब से द्वापर युग में 21 जन्म और ये 42 जो बर्थ होता है, ये 63 बर्थ का टोटल सिंस यहाँ पे भरे हुए हैं। ये 63 जन्मों का पाप भी हमें दंड करना है। अभी संगम युग में बाबा कहते कोई भी विकर्म पाप कर नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसकी सजा बाबा कहते बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हम परमात्मा को जान गए पहचान गए और उसके बाद भी अगर हम कोई विकर्म करते हैं तो बाबा कहते वो फिर बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए हमें अटेंशन रखना है कि भगवान के बच्चे बने तो सभी को सुख देना, कोई भी विकर्म पाप कर्म दुख नहीं देना है। बाबा कहते नहीं करना है। ईश्वर पिता 63 जन्म से तुम विषय वैतरणी नदी में गोते खाते रहे, अब तुम बच्चों को मैं क्षीर सागर में ले जाता हूँ, है ना, अर्थात स्वर्ग की दुनिया में ले जाता हूँ, भेंट किया जाता है ना तुमको शिवालय में मैं ले जाता हूँ, वहां पर अथाह सुख होता है। शिव बाबा कहते सतयुग को शिवालय कहेंगे, शिव बाबा के द्वारा रचा गया दुनिया उसको बोलते हैं शिवालय। अभी यह अंतिम जन्म है, हे आत्माएं, बाबा का डायरेक्शन, हे आत्माएं पवित्र बनो। क्या बाप का कहना नहीं मानेंगे? भगवान बाप का कहना एक जन्म नहीं मानेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे? शिव बाबा बहुत प्यार से पूछ रहे बच्चों से, ईश्वर तुम्हारा बाप कहते मीठे बच्चे अब कभी भी विकार में नहीं जाना है, आप पवित्र नहीं बनना है, जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ सिर पर है, वह मुझ परमपिता के याद से ही तुम्हें भस्म करना है। आत्मा का जो पाप है, जो कहते पाप आत्मा, तो ये पाप आत्मा बन गए विकर्म पाप कर्म विकार में जाते जाते पाप कर्म पाप आत्मा बन गए। ये पाप कभी भी ना गंगा स्नान ना
है ना, ना पानी का स्नान, ना हज करने, कोई भी कर्मकांड करने से आत्मा पावन नहीं बनती है। एक ही परमात्मा पिता को याद करने से, राज्यों का अभ्यास करने से ही हमारी आत्मा पावन बनती है। तो बाबा आकर के, शिव बाबा स्वयं सुप्रीम गॉड फादर, हम सभी बच्चों को इतना प्यार से शिक्षा दिए, बच्चे तुम्हारी आत्मा में 63 जन्मों का विकर्म है, ये पापक्रम मुस्पित पिता को याद करने से ही भस्म होगा। कल पहले भी तुम बच्चों को ऐसी शिक्षा बाबा दिए थे, 5000 साल पहले भी शिक्षा दिए, क्योंकि ये चक्र है ना, चलते रहता है, हर 5000 वर्ष में एक बार परम पिता आते हैं सृष्टि पर। इसलिए यदा यदा ही धर्म से ग्लानी गीता में लिखा हुआ, जब जब धर्म की ग्लानी होती है तब तब मैं आता हूँ, है ना, और एक सब धर्म की स्थापना करता हूँ और अनेक धर्मों का मैं नाश करता हूँ। तो अभी जितना भी संसार में आप धर्मी हैं, पापी हैं, सबका विनाश करके भगवान पुण्य आत्माओं की दुनिया ला रहे हैं, और बहुत जल्द आप ये लाएंगे बाबा। बाबा बोले कल पहले भी तुम बच्चों को शिक्षा दी, बाबा गारंटी करते हैं, जब तुम यह गारंटी करते बाबा हम आपको याद करेंगे, इतना याद करते रहो तो शरीर का भान भी ना रहे बाबा, इतना याद करो कि शरीर का भान ही ना रहे कि हम शरीर भी हैं, ये भी बाबा कहते हैं भान नहीं होना चाहिए, नहीं शरीर समझ नहीं तो सारा बाबा कहते हैं विकर्म पापक्रम शुरू होता है। इसलिए अपने आप को एक एकदम आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, बहुत पावर एनर्जी का हम फील करते हैं बाबा से। सन्यासियों को भी कोई कोई तीखे बहुत पक्के ब्रह्म ज्ञानी होते हैं सन्यासियों में भी, वह भी ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। जो बहुत पक्के साधु सन्यासी ऐसे होते हैं जो बहुत याद में रहते हैं, और याद में रह करके बहुत बाबा कहते हैं वो ब्रह्म में लीन कहते हैं, लीन हो जाते, शरीर छोड़ देते, ब्रह्म को याद कर देगा। यहाँ तुमको तो सिर्फ बाबा की याद समझाते, यहाँ तुमको तो बाप समझाते हैं, पावन बन करके तुम बच्चों को अपने घर परमधाम जाना है। बिना पावन बने उस परमधाम में कोई भी आत्मा नहीं जा सकती, भगवान परम पिता के पास बिना प्योर बने हुए कोई भी आत्मा वहां नहीं जा सकती है। दो ही रास्ता है पवित्र बनने का, या तो योग बल या तो भोग बल। योग बल माना मेडिटेशन की पावर से, राज्यों का अभ्यास से अपनी आत्मा को प्यूरिफाई कर ले, या भोग बल सजा के द्वारा, रोग दुख अशांति परेशानी समस्याएं, इतना कष्ट इतना दुख आएगा, हे भगवान हे प्रभु हे ईश्वर चिल्ला चिल्ला करके भगवान को याद कर करके पुकार करके वो फिर पावन बनेंगे। तो क्या हम सभी बच्चों को पसंद होना चाहिए? परमात्मा पिता को बहुत प्यार से, स्नेह से, सर्व संबंध जोड़ करके, है ना, मीठे बाबा को मीठे रीति से याद करना है और अपनी आत्मा को पावन बना लेना है ना, हमें कभी भी सजा नहीं खाना है। बाबा के बच्चे अर्थात सदा सुखमय जीवन जीने वाले, कभी भी बाबा कहते हैं सजा खा करके पावन बनने वाले नहीं, श्री बाबा श्रीमत पर चल करके पावन बनने वाले बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं चूंकि अब हमें सत्य ज्ञान से हम अवगत हो गए, इसलिए याद का अभ्यास जरूर करना है। 63 जन्मों का विकर्म है, यहाँ पूरा एक याद रखना है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे पावन बनते हो वह फिर अपनी मत पर चलते रहते हैं। बाबा क्या समझा रहे हैं कि सन्यासी लोग यहाँ तुमको बाबा समझाते पावन बनाते हैं, वह तो फिर मनुष्य अपने मत पर चलते रहते हैं। यहाँ है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत, ऐसे नहीं कि शरीर छोड़ करके मुक्ति जीवन मुक्ति में चले जाएंगे, आते फिर वहां है, वहां है बाबा कह रहे आते फिर यहाँ ही है, परंतु उनके फॉलोअर्स समझते हैं वह निर्वाण गया। बाबा समझाते एक भी आत्मा वापिस नहीं जा सकती है, ये नियम ही नहीं है, ये कायदा ही नहीं है, झाड़ वृद्धि को जरूर पाना ही है। बाबा क्या समझाए, एक भी आत्मा ऊपर नहीं जा सकती है, जो भी आत्मा शरीर छोड़ती है, चाहे साधु सन्यासी छोड़े चाहे जो भी छोड़े, सब यहीं पर पुनर्जन्म लेते रहती हैं। एक भी आत्मा एक ही बार वो घर जाएंगी, जब परम पिता सभी आत्माओं को, सृष्टि की सब आत्माओं को लेकर के जाएंगे, ये अंतिम घड़ी में विनाश का अंतिम समय में जब होगा तब बाबा सबको लेकर के जाएंगे। इसलिए अभी लव नहीं है, नियम नहीं है कि कोई भी आत्मा बीच में ऊपर जा सकती, लेकिन साधु सन्यासी के फॉलोअर समझते हैं कि वो निर्वाण पार निर्वाण चला गया, परमधाम चले गए, ब्रह्मलोक चले गए वो आत्मा, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसी बातें नहीं है, वो जब भी जन्म लेंगे इसी कलयुग में लेंगे पुनर्जन्म। अभी तुम संगम युग पर बैठे हो, श्री बाबा कहते हैं, और सब मनुष्य कलयुग में है। हम सभी बच्चे कहाँ हैं? संगम युग में बैठे हैं हम लोग, और बाकी सब मनुष्य कहाँ बैठे हैं? कलयुग में बैठे हैं, श्री बाबा कहते हैं। श्री बाबा कहते हैं जिनको ज्ञान नहीं हो तो सारे कलयुग में है, और जिनको ज्ञान आ गया, 7 days का कोर्स कर लिए, शिव बाबा पहचान लिए, ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं डेली, वो संगम युग पर आ गए।
और सब मनुष्य कलयुग में तुम दैवी गुण बाबा करे दैवी संप्रदाय के बन रहे हो, जो तुम्हारे धर्म के होंगे वह आते जाएंगे बाबा करे, जो इस देवी देवता कुल के होंगे वो सब आत्माएं धीरे 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 आते चले जाएंगे बाबा बोले। दैवी देव बाबा करे देवी देवताओं का भी वही बाबा करे वहां सिजरा है ना, यहाँ बदली होकर के और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, फिर निकल करके वो आ जाएंगे, है ना बाबा क्या बताए। और बात जो भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए, देवी देवता कुल की आत्माएं दूसरे तीसरे धर्म में चली गई हैं, ये राज्यों का ज्ञान मिलते ही सेवन डेज का कोर्स करते ही वो अपने परम पिता परमात्मा को पहचान लेती हैं और इस राज्य की पढ़ाई पढ़ने लग जाती हैं। आज लाखों आत्माएं लाखों जैनी यहूदी पारसी मुस्लिम हर रिलीजन के लोग इस ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हैं, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी कोई भी रिलीजन को फोकस नहीं करता है, यहाँ पे स्पिरिचुअल फादर स्पिरिचुअल नॉलेज दे रहे हैं, तो वो सुप्रीम गॉड से सभी लोग कनेक्ट हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर लाखों आत्माएं हर रिलीजन के लोग हैं। इसलिए वर्तमान समय लगभग हम लोग का जो ब्रांच लगभग 150 कंट्री से भी ज्यादा देशों में है ब्रांच, ये हर धर्म के लोग हैं, क्योंकि परमात्मा एक है, सबका पिता एक है और सबका पिता इस सृष्टि पर आ चुके हैं। तो जो बाबा क्या बताए, जो देवकुल की आत्माएं जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गई है वो तुरंत इस ज्ञान और राज्य की पढ़ाई पढ़ेंगी और सिर्फ बाबा परमात्मा पिता डिवाइन लाइट को पहचान जाएंगे, मेडिटेशन करके परम पिता से पावर लेंगे, अपने जीवन को दैवी गुणों से भरपूर बनाएंगी। बाबा कहते हैं ये ज्ञान की विधि। इसलिए यहाँ पर कोई भी रिलीजन के ऊपर फोकस्ड नहीं है, ब्रह्मा कुमारीज में किसी भी चीज के ऊपर में किसी एक चीजों पर कोई प्रेशर नहीं होता है या कोई भी चीज, ये चीज सत्य ज्ञान केवल दिया जाता है। जिनको अच्छा लगता है ऑटोमेटिक इस सारे सत्य ज्ञान से अवगत हो जाते हैं, अपने जीवन में धारणा करते हैं, उनको शांति और खुशी मिलने लग जाती है, सब चीजों को बहुत सहज अनुभव होने लग जाता है, इसलिए वो हर चीजों को फॉलो करते हैं। बाबा कहते जरूर वह अपनी जगह भरेंगे, भरने के लिए आ जाएंगे श्री बाबा बोले, यह बहुत महीन बात, ऑटोमेटिक वो आएंगे अपने जगह भरने के लिए आ जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे भी आएंगे जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, फिर अपनी जगह आ लेंगे, बाबा करे ले लेंगे तुम्हारे पास। मुसलमान आदि भी आते हैं, बड़ी खबरदारी रखनी पड़ती है, झट जा बाबा करे जांच करेंगे यहाँ दूसरे धर्म वाले कैसे आते हैं, इमरजेंसी में तो बहुतों को पकड़ते हैं, फिर पैसे मिलने से छोड़ भी देते हैं, जो कल पहले हुआ है तुम भी अभी बाबा करे देख रहे हो, कल्प आगे भी बाबा करे कल्प आगे भी ऐसा हुआ था, तुम अभी मनुष्य देवता उत्तम पुरुष बनते हो, यह है पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम ब्राह्मणों का कुल है, ये पुरुषोत्तम संगमयु क्या है, ब्राह्मण बच्चों का कुल है, ब्राह्मणों का कुल है। इस समय बाप और बच्चे रूहानी सेवा पर है, परमात्मा बाप भी सेवा पर है, बच्चे भी, हम सभी बच्चे भी सेवा पर है, बाप और बच्चों का ये रूहानी सेवा है ना। कोई गरीब को धनवान बनाना यह सबसे रूहानी, बाबा कह रहे ये बहुत बड़ा रूहानी सेवा है, कोई भी गरीब को धनवान बना देना ये रूहानी सेवा है। गरीब अर्थात बाबा कहेंगे आगे समझिए, बाप कहते हैं बाप कल्याण करते हैं तो बच्चों को भी मददगार बनना चाहिए ना। बाबा आकर के भगवान वस्तु का पिता जो जगत पिता जो सर्वशक्तिमान है वो पूरी सृष्टि को जो है कल्याण करते हैं, तो तुम बच्चों को भी करना चाहिए ना। जो बहुतों को कल्याण करते हैं रास्ता बताते हैं वह बहुत ऊंचा पद पाते हैं, बाबा कहते हैं जो बच्चे बहुतों को रास्ता बताते हैं सत्य ज्ञान से अवगत कराते हैं, तो बाबा क्या समझा रहे हैं कि बहुत ऊंचा पद की प्राप्ति करते हैं। बहुतों को रास्ता बताने के लिए एक बहुत सुंदर फिर से पुनः राजयोग मेडिटेशन कोर्स अभी 5 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, तो आपके जो भी संपर्क में भाई बहन हुए मित्र संबंधी अपने फैमिली मेंबर को आप कोर्स कराना चाहें तो 5 सितंबर के इवनिंग में 7:30 बजे से सेशन को ओपनिंग करेंगे हम लोग, और विशेष जो सारा कोर्स का स्टार्टिंग रहेगा वो 6 सितंबर से पूरे 12 सितंबर तक चलेगा। तो सभी भाई बहन लोग अपने अपने मित्र संबंधियों को जरूर बताएं कि अभी ऑनलाइन कोर्स चलेगा, है ना, और सभी को जूम पर आने के लिए बोलें, और आप सभी को भी सारा डिटेल सब चीज तो भेजा ही गया है ना, और इसी नंबर पे इसी आईडी पे जहां पे आप अभी इस लिंक पे आप ज्वाइन हो रहे हैं इसी लिंक इसी आईडी पे उन लोगों को लाना है ना, सबको बताना है, प्रेरित करना है, एक बार इसका कोर्स जरूर कराएं, और जो किए हैं थोड़ा सा कम समझे उनको फिर से रिविजन कराइए, है ना। जितना बार आप कोर्स करते हैं अच्छी रीति से बुद्धि में बैठ जाता है, तो ये भी एक बहुत अच्छा सेवा है, इसको आप जरूर पूरा पूरा लाभ आप लीजिए और दूसरों को भी दीजिए।
दूसरों को जरूर बताइए। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं, बाबा कहते हैं वह बहुत ऊंचा पद पाते हैं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, लेकिन चिंता नहीं करनी है, क्योंकि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाप के ऊपर है। बाबा क्या समझाएं, तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, चिंता कभी नहीं करनी है, तुम्हारा जिम्मेवार कौन है? भगवान स्वयं परमपिता है। इसलिए तुम्हारे सब रिस्पॉन्सिबिलिटी बाप के ऊपर में है। पुरुषार्थ जोर से कराया जाता है, फिर जो फल निकलता है समझा जाता कल पहले मिसल निकला है। बाबा बच्चों को कहते हैं, बच्चे फिक्र मत करो। बाबा क्या समझा दिए बच्चों को, कोई भी प्रकार की फिक्र मत करो, सेवा में मेहनत करो। नहीं बनते तो क्या करेंगे, बाबा कह रहे हैं। नहीं अगर कोई बनते क्या करेंगे, इस कुल का कोई नहीं होगा तो तुम भल कितना भी माथा मारो, कोई कम तुम्हारा माथा खपाएंगे, को जास्ती खपाएंगे, है ना। बाबा ने कहा सब शिव बाबा कह रहे को जास्ती खपाएंगे, को कम खपाएंगे। बाबा ने कहा जब दुख बहुत आता जाएगा ना, फिर वो अपने आप आएंगे। क्या बाबा सीक्रेट बताए, दूसरों को खूब बता रहे हैं, खूब समझा रहे हो, ज्ञान नहीं मानते, नहीं आते हैं, है ना। तो बाबा क्या समझाए, बाबा क्या बताए कि शिव बाबा कहते हैं जितना दुख आता चला जाएगा, संसार में दुख बढ़ेगा, दुख के प्रमाण भगवान की शरण में अपने आप आते चले जाएंगे। और अभी अंतिम समय अति दुख हो रहा है संसार में, दिनों दिन संसार में दुख का ही पहाड़ गिर रहा है। सारे मनुष्य एक सच्चा सत्य ज्ञान सत्य की तलाश में है। हम और आप बच्चे भगवान के फरिश्ते बनकर के उनको निमित्त बनिए, उनका उनको ज्ञान दीजिए, समझ दीजिए और उनके दुखों को हरिए। परमपिता से सभी मनुष्य को जोड़ना है, तो सब चीजें स्टेप बाय स्टेप है। तो बाबा कहते सबसे पहले उन आत्माओं के ऊपर बहुत रहम की दृष्टि रख करके पोष करवाना है और परमात्मा पिता का परिचय देना है। श्री बाबा बोले वो अपने आप आएंगे, जैसे जैसे संसार में दुख बढ़ेगा, अंततः बाबा कहे वो आते चले जाएंगे। श्री बाबा समझाएं कि तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम बाबा कहते हैं इसमें दुख होता चला जाएगा, वो आते जाएंगे, तुम्हारा व्यर्थ कुछ भी नहीं जाएगा। स्पष्ट बाबा बता रहे हैं, तुम जो समय लगा रहे हो, जो संकल्प लगा रहे हो, जो तन लगा रहे हो, धन लगा रहे हो, मन लगा रहे हो, तुम्हारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारा काम है राइट बताना, बाबा कह रहे हैं तुम्हारा काम ही है हरेक आत्माओं को राइट बताना। श्री बाबा कहते हैं ठीक है, बाबा कहते हैं राइट बताना, राइट बताना। बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्म के विकर्म विनाश होंगे। ऐसे बहुत कहते भगवान जरूर है, महाभारत लड़ाई के समय भी भगवान थे, है ना। सिर्फ कौन सा भगवान था उसमें मुंज गए हैं, भगवान तो है जरूर, सब धर्म में भगवान की बातें हैं, लेकिन कौन भगवान, वो कब आते, वो क्या करते, वो कैसे सुख की दुनिया रचते, ये ज्ञान नहीं, ये मुंज गए। कृष्ण को तो बाबा करे कृष्ण तो भगवान हो ना सके, शिव बाबा करे कृष्ण तो हो ना सके, कोई भी शरीरधारी बाबा कहते भगवान नहीं होते हैं, ये देवी देवता हैं। 33 करोड़ सनातन धर्म में देवी देवता हैं, भगवान ईश्वर परमात्मा एक ही निराकार शिव बाबा है, डिवाइन लाइट। कृष्ण उसकी उसी फीचर से फिर सतयुग में ही होगा ना, हर जन्म में फीचर्स बदलते जाते हैं, सृष्टि अब बदल रही है, पुराने को नया आप भगवान कैसे बनाते हैं वह भी कोई मनुष्य नहीं जानते। तुम्हारा आखिर नाम निकलेगा, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम बहुत भारी निकलेगा और निकल चुका, सारी दुनिया जानता ब्रह्मा कुमारी जिस पर विश्वविद्यालय को स्थापन हो रही है। फिर यह राज करेंगे, विनाश भी होगा, एक तरफ नई दुनिया दूसरी तरफ पुरानी दुनिया, यह चित्र बड़ा अच्छा है बाबा कह रहे हैं, एक तरफ नई दुनिया दूसरी तरफ पुरानी दुनिया, चित्र बड़ा अच्छा है। कहते भी ना ब्रह्मा द्वारा स्थापना और शंकर के द्वारा विनाश होगा, और विनाश के बाद लक्ष्मी नारायण के द्वारा क्या होगा, नई दुनिया सत्यु की पालना का कार्य। परंतु समझते कुछ नहीं है, मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति का, ऊंचा है कौन, शिव बाबा। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको अभी याद की यात्रा सिखा रहे हैं। बाबा को याद करो, योग अक्षर डिफिकल्ट लगता है, याद अक्षर बहुत सहज है, योग लगाना मुश्किल है, लेकिन याद चलती फुलती याद किसी की भी याद आ जाती है, तो हमें चलती फुलती शिव बाबा को याद करना है। याद अक्षर बहुत ईजी है, सहज है, तुमको खुद ही लज्जा आएगी, हम आत्माएं बाप को याद नहीं कर सकती है, जिनसे विश्व की बादशाही मिलती है, बाबा घर है जिनसे विश्व की बादशाही मिलती है, ऐसे बाबा को हम भूल जाते हैं तो अपने आप ही लज्जा आएगी ना। बाबा भी कहेंगे तुम तो बेसमझ हो, बाप को याद नहीं कर सकते हो तो वर्षा तुम कैसे पाओगे, अगर भगवान को याद करने का मेहनत ही नहीं करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा बाबा कैसे देंगे।
विकर्म विनाश कैसे होंगे, तुम्हारे जन्म जन्म का पाप कैसे कटेगा। तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा परम पिता परमात्मा अविनाशी पिता हूं। तुम चाहते हो हम पावन बनकर सुख धाम में जाएं, तो श्रीमद पर जरूर चलो। बाबा कहते हैं तुम चाहते हम पावन बनकर के सुख धाम में जाएं, सतयुग में जाएं, तो बाबा कहते हैं श्रीमद पर जरूर चलो। आने वाली सतयुग की दुनिया में, संपूर्ण सुख की दुनिया में जाने के लिए जरूर श्रीमद पर चलना है। मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। अच्छा बाबा बोले, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यारा, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की, रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा को कहना है शुक्रिया बाबा शुक्रिया, पद्मा पदम गुणा आपका शुक्रिया। ये बाबा को निरंतर हमें धन्यवाद शुक्रिया करते रहना है ना। धारणा के लिए मुख्य साथ, बाबा जितने सुंदर सुंदर महावाक्य उच्चारित किए हैं, हम सभी बच्चों को बहुत सुंदर तरीके से ये धारणा का मुख्य पॉइंट नोट करना है। पहला मुख्य पॉइंट है हर प्रकार से पुरुषार्थ करना है। बाबा कह रहे हैं जैसे भी हो पाए हर प्रकार से पुरुषार्थ करना है। फिक्र चिंता की कोई बात नहीं, फिक्र चिंता की कोई बात नहीं। बाबा कह रहे हैं हमारा रिस्पॉन्सिबल स्वयं बाप है, स्वयं परमात्मा बाप ही हमारा जिम्मेवार है। हमारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता है। अपना तन लगा, जो कुछ भी हम लोग बाबा के यज्ञ में तन लगा रहे हैं, धन लगा रहे हैं, समय लगा रहे हैं, सांस लगा रहे हैं, हर आत्मा को सेवा करने का जो भी हम लोग प्लानिंग करते हैं, जो कुछ भी लगाते हैं, शिव बाबा कहते तुम्हारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर प्रकार से पुरुषार्थ करना, फिक्र नहीं करना है, बाबा तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी पॉइंट बाबा बता रहे हैं बाप समान बहुत बहुत स्वीट बनना है। शिव बाबा कहते हैं शिव बाबा के समान क्या बनना है, हम लोग को स्वीट बनना, बहुत मीठा बनने का पुरुषार्थ करना, अनेकों का कल्याण करना है। इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। ये सभी का क्या है, अंतिम जन्म है। इस अंतिम जन्म में संगम युग पर जरूर पवित्र बनना है। बाबा कहते हैं पवित्र दुनिया ला रहे हैं बाबा ना, धंधा आदि करते अभ्यास करना है। क्या अभ्यास करना है, मैं आत्मा हूं, मुझ आत्मा का पिता से बाबा परमात्मा है। ये बाबा बोले बच्चों को पुरुषार्थ करना है। वरदान से बाबा दे रहे हैं हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। सर्व खजाना, संगम युग में क्या क्या खजाना हमारे पास, सबसे नंबर वन खजाना शिव बाबा हमें दिए सत्य ज्ञान का खजाना, समय का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, सारे खजानों से हम सभी बच्चों को बाबा भरपूर कर रहे हैं। हमें एक भी खजाना को व्यर्थ नहीं गंवाना है। बाबा कहते हैं सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। विस्तार बाबा समझा रहे हैं जो बच्चे बाप की याद में रह करके हर कदम उठाते हैं, शिव बाबा की याद में रह करके हर कदम उठाते हैं, कोई भी कदम हो है ना, कोई भी कर्म में आप कदम उठाते हैं, चाहे वो आपका लौकिक फील्ड हो, पढ़ाई लिखाई हो, किसी भी फील्ड में बाबा की याद में आप कदम उठाते हैं, वह हर कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। कोई भी कर्म बाबा की याद में रह करके करते हैं तो उसमें पुण्य कर्मों का खाता पद्म गुणा जमा होता, बाबा बता रहे हैं। ठीक है, इस संगम युग पर ही पद्मों की कमाई की खान मिलती है, पद्मों की कमाई का खान संगम युग पर ही मिलता है, क्योंकि प्राप्ति कराने वाले है ही पुण्य कर्मों का जो सागर है ना, जो पद्म पति कहेंगे भगवान परमात्मा पिता है, जो उनकी याद से हमारा पद्म गुणा पुण्य जमा होता है। तो ये संगम युग पर ही परमात्मा हमें पद्मों की कमाई का जमा कराते हैं, अर्थात कमाई की खान अभी मिलती है। संगम युग है ही जमा करने का युग,
संगम युग क्या है? जमा करने का युग है, पूरा फुल अटेंशन देंगे, बहुत सुंदर बाबा वरदान दे रहे हैं। संगम युग में केवल जमा करना है, पुण्य कर्मों की कमाई जमा करना है, फिर हमें चार युगों तक बैठ करके खाना है। संगम युग में केवल कमाना है और सतयुग से केवल हम लोग को गंवाना स्टार्ट हो जाता है ना। तो संगम युग में हमें केवल कमाना है, यहाँ का से है ना, और सतयुग से हम लोग खाना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, द्वापर युग से गंवाना स्टार्ट कर देते हैं। तो श्री बाबा कहते हैं केवल कमाई, हमें जन्म जन्म के पुण्य कर्मों की कमाई परमात्मा पिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा इस संगम युग में ही सब कुछ सिखा रहे हैं, हमें पूरा पूरा इसका लाभ लेना चाहिए। बाबा कहे, श्री बाबा बोले जहां जमा का युग है, अभी जितना जमा करना चाहो तुम बच्चे कर सकते हो, हर कदम अर्थात बाबा कह रहे एक सेकेंड भी, एक सेकेंड भी बिना जमा के ना जाए। बाबा कह रहे एक सेकेंड भी बिना जमा का ना जाए अर्थात व्यर्थ ना हो, सदा भंडारा भरपूर हो। श्री बाबा कहते हैं अप्राप्त कोई भी वस्तु नहीं, ऐसे संस्कार बाबा कह रहे हो अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, ये गायन है ना, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजानों में, क्योंकि हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां डायरेक्ट किसके बच्चे हैं, परमात्मा है, परमात्मा के बच्चे, सारे ज्ञान गुणों और शक्तियों से, सारे खजानों से है ना संपन्न आत्माएं, तृप्त आत्माएं। संस्कार बाबा कह रहे ऐसी बनाना है, जब अभी ऐसी तृप्त आत्मा, तृप्त व संपन्न आत्मा बनेंगे तब भविष्य में अखूट खजाने के तुम मालिक बनेंगे। श्री बाबा क्या समझा दिए, जब अभी संगम युग में, बाबा कहते हैं जब संगम युग में अभी जब हम सारे खजानों से तृप्त आत्मा बनते हैं, संपन्न आत्मा बनेंगे, तो बाबा समझा रहे हैं सतयुग में अखूट खजाने के मालिक बनेंगे। बाबा कहते हैं तो ये पूरा अटेंशन रखना है, संगम युग सेकंड सेकंड जमा करने का युग है, अभी हम जितना जमा करेंगे दो युगों तक उतना बैठ करके हम खाएंगे आराम से, युग कहे तीन युग है ना। द्वापर युग में भी बहुत अच्छे 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 घर परिवार, बड़े बड़े फैमिली में है ना हम लोग जन्म लेते हैं, राजा रानी बनते भी हैं। तो ये बाबा बता रहे हैं, स्लोगन है, कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय क्या करना है, बाबा कह रहे हैं अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। ये प्यारे बाबा का मीठा मीठा वाणी था, परिस्थितियां आएंगी, बातें आएंगी, लेकिन कोई भी बातों में, कोई भी परिस्थितियों में हमें अपसेट नहीं होना है। अपसेट होने के बजाय बाबा क्या बता दिए, नॉलेजफुल बनो, है ना। तो तीन मिनट प्यारे बाबा को याद करेंगे और उसके बाद हम लोग पुनः जो है मनन चिंतन करेंगे, बोलने का ओम शांति।